यहाँ पिछले 66 वर्षों से रामायण का पाठ होता है, चैत्र नवरात्रि में नवान पारायण होता है और 108 पाठकर्ता बैठ करके पाठ करते हैं, पर कोरोना के दुष्प्रभाव के कारण इस बार ये पाठ प्रतीकात्मक हुआ। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बहुत कम लोगों ने यहाँ बैठ करके इस पाठ को पूर्ण किया। सभी पाठकर्ता, सभी भक्तजन, उन्होंने अपने अपने घरों में पाठ किया और घरों से उन्होंने जो है पूर्णाहुति की और यहाँ व्यास गादी के लिए भी उन्होंने घरों से ही प्रार्थना की। हम भी अपनी व्यास गादी से सब पाठकर्ताओं के लिए, सब भक्तजनों के लिए, मानव मात्र के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कोरोना जल्दी से नष्ट होवे और इसका दुष्प्रभाव जो है उससे सारा संसार मुक्त होवे, सबकी अच्छी उन्नति हो, फिर से व्यवसाय वगैरह उन्नति बढ़े, सबके काम धंधे चले, ऐसी हमारी भगवान रघुनाथ जी से प्रार्थना है। आज राम जन्म उत्सव के अवसर पर हम सबके लिए कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।